हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, मैं भिंडी को वॉश करने जा रही हूँ क्योंकि ये सब्जी बनानी है मुझे, और ये ना बनाओ ना तो फिर ये थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। और मैं वॉइस इसलिए नहीं दे रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे टीवी सॉन्ग चल रहा है, इन्होंने चलाया है, और इसी वजह से ना यहाँ पे पता नहीं कौन सा सॉन्ग चल रहा था। और ये संडे का ब्लॉग है मेरा, और मैं थोड़ी देर पहले नहाई और उसके बाद मैं किचन में फटाफट जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। स्पॉट टीवी देख रहा था और ये जो काम था ना वो सब कर रहे थे थोड़ा बहुत। और उसके बाद यहाँ पे मैंने भिंडी को वॉश करके रख दिया था, और ये देखिए नीचे थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, तो ड्राई हो जाता है ना, फिर कट करने में अच्छा लगता है। इसके पहले जब मैं भिंडी बनाई थी तो मेरे को एक कमेंट्स आया हुआ था कि आप भिंडी क्यों खाते हो इस सीज़न में, तो हमारे यहाँ मिलता है ना तो हम खाते हैं। हमारे यहाँ गर्मियों में गोभी मिलता है, मटर मिलता है, और ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि ये जैगिंग दीदी कहाँ से लेते हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। और कितने का लेते हो? तो मैं ये जैगिंग अपने लोकल मार्केट से लेती हूँ, और ये कभी कभी मेरे को 300, कभी 350, कभी 400, कभी 500 तक भी मिल जाता है। बट जो मैं घर में डेली यूज़ करती हूँ ना वो मैं 350, 400 के आसपास ही लेती हूँ, या फिर कभी कभी 300 का मिल जाता है। अलग अलग क्वालिटी होता है क्योंकि आप लोग देखते होंगे मैं घर में हमेशा जैगिंग ही डालती हूँ, और मेरे को प्रिंटेड जैगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब घर में डेली यूज़ में डालना। सूट के नीचे डालो, कुर्ती के नीचे, या फिर टॉप के नीचे भी, मतलब अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे मैं भिंडी को कट कर रही हूँ और साइड का जो पार्ट्स है ना उसका मैं निकाल दे रही हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी आज मुझे बनानी है, और आज इनका एक्चुअली बर्थडे आ रहा है, तो इनका बर्थडे है 12 फरवरी को, तो उसकी तैयारी भी मुझे करनी है। मैं काफ़ी कुछ सोच रही थी, तो बस देखिए क्या करती हूँ आगे के ब्लॉग्स में। लास्ट ईयर का अगर आप लोगों ने ब्लॉग्स नहीं देखा हो तो आप लोग देख लेना, क्योंकि मैंने इनका बर्थडे लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे से इनको सरप्राइज़ दिया था, काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया था, तो वो लोग आप लोग देखना कि वो कितने अच्छे से मैंने मनाया था। एंड यहाँ पर मैंने भिंडी को कट करने के बाद फिर फटाफट मैं इसको बना दूंगी। इसमें एक दो मटर भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बीन्स भी है, तो कभी कभी जैसे हम जहाँ से सब्जी हम लेते हैं ना वहाँ पे रह जाता है कभी कभी, मतलब मिक्स हो जाता है। वैसे मैंने बहुत सारे ना बीन्स को मैंने निकाले हैं इसमें से, लेकिन एक आध रह गया था तो मैं उसको साथ ही में कट कर दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, इधर से बिल्कुल अच्छी सी रोशनी आ रही है किचन में, और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी सर्दी कम हो गई है, तो धूप भी बहुत ही अच्छी आ रही थी इधर से, अगर मैं विंडो खोल दूँ, बट विंडो मैंने नहीं खोला था, काफ़ी अच्छी नहीं आ रही थी। और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ नाम लो, तो मैं सबका आप लोगों का नाम लूँगी आज के ब्लॉग से। आप लोग लास्ट तक देखो, मैं नाम ज़रूर लूँगी। और कुछ लोगों ने बोला था कि दी विश करना मुझे, तो जिन लोगों को विश करना है उन लोगों को मैं विश भी करूँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसको मैं ऑन कर ले रही हूँ, मतलब गैस जला ले रही हूँ, और मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्टर्ड ऑयल ही में ही खाना बना रही हूँ, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल लिया है मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद मैं इसमें मेथी डालूँगी, जीरा डालूँगी, जो भी जो छौंक लगाने के लिए जो हम डालते हैं वो सब डालूँगी। तो बस यहाँ पे चलिए आप लोग के फटाफट मैं नाम भी ले लेती हूँ अभी। और यहाँ पे मैंने गार्लिक को छील के रखा था, तो उसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी और इसमें डालूँगी, क्योंकि ये ना काफ़ी अच्छा मेरे को फ्लेवर लगता है इसका। और यहाँ पे मैंने डाल भी दिया है, और इसको मैंने हरी मिर्च भी डाल दिया है इसमें, और उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी क्योंकि थोड़ा सा, और मैंने 2-3 ना खड़ा लहसुन भी डाला है इसमें, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और इनको खड़ा लहसुन सब्ज़ी में खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए आप लोग के नाम भी ले लेती हूँ और सब्ज़ी में बनाती रहती हूँ। एंड सबसे फर्स्ट पे मैं नाम ले रही हूँ खुशी मौर्या, और इन्होंने हैप्पी टेडी डे विश किया था। सेम टू यू डियर, सबको हैप्पी टेडी डे जिन्होंने जिन्होंने मेरे को विश किया था। उसके बाद है रेनू सिंह, रिया पांडे, और इन्होंने बोला था दी मैं आपके ब्लॉग को शेयर करूँगी, थैंक यू सो मच रिया जी। एंड उसके बाद है निशा कनन, रुचि तिवारी, एंड शगुफ्ता खान, उषा बेन, अक्षय मिश्रा, आकाश मिश्रा, एंड उसके बाद है शिल्पी प्रकाश, एंड उसके बाद है लिजे गुप्ता, शालिनी कुमारी, एंड देन है अंजना मौर्य। और इन्होंने मुझे बोला है कि 15 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी है दी, मेरा नाम लीजिएगा। एंड मेरे हस्बैंड का नेम मनीष कुमार है, एंड इनका अंजना मौर्य, मनीष कुमार सिंह एंड अंजना मौर्य, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर। एंड उसके बाद है अंकिता मिश्रा, पुष्पा वर्मा, अलका कुमारी, एंड अरुण कुमार, प्रियंका, एंड ममता यादव, अभय सिंह, गुड़िया कुमारी और पुनीत यादव, जिनके नाम मैं नहीं ले रही हूँ उनके नाम नेक्स्ट ब्लॉग में लूँगी, किरणजीत कौर। यहाँ पे पता है मैं जो खड़े मसाले थे ना उसको मैं साइड में कर रही थी, और
यहाँ पे जो मैंने अभी जो डब्बा रखा है ना ऊपर, उसमें मैं सिर्फ मसाले रखती हूँ, मतलब समझ लो कि खुले खुले जो मसाले होते हैं ना उसको मैं उसमें रख देती हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो रहते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टॉफ़ी भी खाया, उसके बाद सब्जी बन रही थी मेरी, देन आ गई थी मैं यहाँ पे हॉल में, और हॉल मुझे ठीक करना था। यहाँ पे स्पर्श यहाँ पे नहीं है, ये जा चुके हैं, और स्पर्श भी जा चुका है, और इनको कहीं जाना था अपने फ्रेंड के घर, तो ये जा चुके हैं। और मुझे थोड़ा सा ना एडिटिंग करनी थी वीडियो की, तो उसको मुझे करना है। और ये मुझे अब सोच रही हूँ अब टेबल थोड़े दिन में हटा दूँगी मैं यहाँ से, क्योंकि अब थोड़ी सी सर्दी कम हो गई है और हीटर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुड आफ्टरनून, और अभी दोपहर के हो रहे हैं 11:30, मतलब दोपहर नहीं मॉर्निंग बोल सकती हूँ, 11:30 हो रहे हैं। और मैं अभी छत पे से आई हूँ कपड़े डाल के, मशीन चलाई थी ना तो कपड़े वॉश हो गए थे, फिर मैं छत पे से कपड़े डाल के आई। और उसके बाद मेरी खाना बन चुका है लगभग, आटा गूंद के रख दी हूँ मैं, सब्जी इनके लिए भी बना दी हूँ, इनको आज भिंडी की सब्जी खानी थी, और मैंने कुछ आलू की मिक्स वेज टाइप की कुछ बनाई है। और पता है ये चलेगा, इनका खाना बना दी, उसके बाद ये कॉल करके अभी बोल रहा है कि मतलब मेरा खाना मत बनाना। एक्चुअली क्या है ना, ये क्या है, इनके एक फ्रेंड है, उनके उन्होंने शॉप खोला है, आज वो वहां गए हैं, और उसके बाद से क्या है वहां से फोन कर रहा है कि तू भी आ जा, मतलब मुझे भी बुलाया था लेकिन मैं नहीं गई, बोली यार संडे आप जाओ स्पोर्ट्स को लेके, मैं नहीं जाऊंगी, फिर वहां से कॉल करेंगी तुझे भी बुला रहे हैं सब, तो फिर मैं बोली नहीं अभी मैं नहीं आऊंगी, और अब खाना खा के तब वहीं से आना, और खाना जो बनाई वो सब बेकार हो गया, मतलब रख दूंगी फ्रिज में, रात को ये खाएंगे, बोले कोई नहीं फ्रिज में रख देना रात को मैं खा लूंगा, और स्पॉच भी है। बस अभी जा रही हूँ मैं रोटी बना के मैं खा लेने, क्योंकि मुझे लग गई है भूख। और मैंने अभी हॉल ठीक किया, और ये वाला जो बेड है ना, ये बेड भी मैंने ठीक किया, क्योंकि इसका इसका क्या है ना, मैं सुबह सुबह इसको ठीक कर दी थी, उसके बाद यहाँ स्पॉच का ना कैप रखा हुआ है वो दवाई वाला, तो उसने क्या किया था सारा उठा के, उधर जितनी भी थोड़ी सी स्पेस बची होती है ना उस बीच में ना वो सारा कुछ इसको उठा के गिरा देता है। फिर अभी अभी मैंने ठीक किया, हॉल को ठीक किया, और बस जो हाउस हेल्पर है वो जो काम होता है उनका, झाड़ू पोछा बर्तन वो करके चली गई थी वो। और उसके बाद चलिए फिर मैं अभी थोड़ा खाना वाना खा लेती हूँ, मैं सुबह सुबह आज नहा ली थी, क्योंकि मेरे को लगा कि आज पता लेट हो जाएगा तो फिर लेट हो जाएगा, बाथरूम अगर क्लीन करना था तो इन्होंने आज क्लीन किया है, क्योंकि तो इसके पहले जब से यहाँ पे आए हैं ना मतलब इस घर में, तब से दोनों जो बाथरूम था मैं ही क्लीन कर रही थी, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, और थोड़ी सी वीकनेस भी है, तो ये बोले कि नहीं मैं कर दिया करूंगा अभी कुछ दिन तक, उसके बाद क्योंकि हफ्ते में एक दिन हम करते ही हैं, और संडे संडे हो जाता है, अगर ये संडे नहीं होता है ना बिजी होते हैं तो हम दूसरे दिन उसको क्लीन कर लेते हैं, जैसे मंडे ट्यूजडे जब मेरे को हेयर वॉश करने होते हैं तब मैं क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कपड़े भी ठीक करना है मुझे, और आज संडे है तो संडे का ऐसे ही चलता रहता है, और बस था ना कि घूमने जाना है घूमने जाना है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो ये स्पॉट को बोले कि चलो वहीं से घुमा के लेके आ जाता हूँ अपने फ्रेंड के घर से, तो गए हैं, चलिए मिलती हूँ थोड़े टाइम से। यहाँ मैं कर रही थी वीडियो की एडिटिंग, और अभी पता है वीडियो पब्लिश करना था और मैं पब्लिश पे नहीं लगाई थी, वो भी मैं टाइम देख रही थी, और 12:15 का मैं शेड्यूल पे लगा देती हूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद चला जाता है, मेरा नेट ऑफ भी रहेगा तो, बट मैंने नहीं लगा पाई थी, थोड़ा सा बिजी थी इसलिए, तो यहाँ पे बस वो मुझे पब्लिश भी करना है, और मैं थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है यार, ब्लॉग्स की एडिटिंग मतलब बहुत ही मुश्किल, मतलब मुश्किल से कर पाती हूँ, स्पर्श कभी परेशान करता है तो टाइम से नहीं हो पाता है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ जब मैं पब्लिश करती हूँ उसके पहले ही मैं सुबह सुबह कर देती हूँ मैं एडिटिंग, लेकिन कभी कभी ही नहीं कर पाती हूँ, माउस काम नहीं कर रहा था क्योंकि इन्होंने टीवी से ना इसको कुछ वो अटैच किया हुआ था ब्लूटूथ के थ्रू, और इसी वजह से ना यहाँ पे लैपटॉप में माउस काम नहीं कर रहा था, वैसे माउस से ना अच्छे से काम हो जाता है, बाकी लैपटॉप पे जो माउस है उससे हो जाता है, लेकिन अलग से मैं उससे करती हूँ तो ज़्यादा मेरे को ठीक लगता है, तो बस थोड़ा बहुत जो काम है मेरे को लैपटॉप पे वो मैं कर ले रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं मुझे जाना है किचन में, वैसे मैंने बोला था कि मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ बट मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं टाइम इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो पब्लिश करना है, और आप लोग टाइम से मेरी ब्लॉग्स को का वेट करते हैं ना, तो इसी वजह से लगता है यार आप लोग वेट कर रहे होगे, ये भी मन में टेंशन सी रहती है। और यहाँ पे मैं ये शाम का टाइम है, मतलब 3:30 के आसपास का टाइम है, हम ये देख रहे थे मूवी और मैं भी मूवी देख रही थी यहाँ पे, और मैं यहाँ साइड में बैठी हुई थी और सोची ना कि मूवी देखते देखते मैं स्पॉच के कपड़े स्कूल जो यूनिफॉर्म था उसको भी मैं प्रेस कर लूँ,
तो वो सब भी मैं लग गई थी करने, यहाँ शर्ट हैंकी वगैरह कर ली हूँ, बाकी उसका पैंट्स मैंने प्रेस किया, और उसके बाद मेरे जो डेली यूज़ वाले कपड़े थे, तो मैं बैठी बैठी मूवी भी देख रही थी, मैं सोची यार ये भी कर लेती हूँ। यहाँ पे स्पॉर्च का ये कैप है, एक्चुअली स्पॉर्च का कैप नहीं है, वो किसी और का लेके चला आता है, इसमें बहुत सारे बबल्स निकले हुए थे तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था, और उसके में बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रहा है तो वो निकाल निकाल के फेंक दे रहा था, उसमें का बबल्स में ना थोड़ा सा निकला था, उसको मैं खींच रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस करने लगी हूँ अपनी कुर्ती येलो वाली, ये मुझे बहुत पसंद है ये कुर्ती, इसका स्टफ़ जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मटेरियल इसका बहुत अच्छा है। बाकी अब थोड़ा ये तो थोड़ा पुराना हो गया, क्योंकि पूरे विंटर्स में मैंने इसको डाला है, एक या दो दिन गैप कर करके मैं इसको डालती थी, और बट अभी ख़राब नहीं हुआ है, थोड़ा सा कलर इसका मतलब डाउन हो गया है, लेकिन अभी ठीक है, अभी यूज़ करूँगी मैं पूरी गर्मियाँ इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े ना इतने पसंद आ जाते हैं ना कि उसको छोड़ने का दिल नहीं करता है, उसी तरह से ये वाली मेरी कुर्ती है इतना मुझे, और ये मैंने भोपाल से लिया था, देवरानी के साथ गई थी वहाँ न्यू मार्केट, तो मैंने वहाँ से लिया था, और उसने भी उस टाइम पे एक कुर्ती लिया था। तो आप लोग ना मेरे पास साधना के लिए कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग देवरानी को बहुत मिस कर रहे हो, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए, तो बस मैं देखती हूँ उसके क्लिप्स मैं अभी मांगूंगी, क्योंकि थोड़ी सी वो बिज़ी थी अपने घर में। एंड यहाँ पे मैं जेगिंग को प्रेस कर रही हूँ, मतलब प्रेस तो नहीं करती हूँ मैं, लेकिन अभी इस टाइम पर फ्री थी ना तो मैं सोची कि चलो कर देती हूँ। उसके बाद हमें शाम में जाना है, मार्केट जाना है, और मुझे इनके बर्थडे की तैयारी भी करनी है, तो उसका भी मुझे कुछ सामान लेना है, और बाकी स्पॉर्च के लिए भी कुछ लेना है मुझे। तो यहाँ पे हम आ गए थे शॉप पे, यहाँ पे हमने आए हैं गिफ्ट शॉप पे आए हैं, एक्चुअली मैं इनके लिए गिफ्ट नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे स्पॉर्च के लिए हमें टॉयज़ लेना था, उसके बाद मैं जाऊँगी कुछ सामान लेने इनके बर्थडे के लिए। तो आप लोग बर्थडे ब्लॉग्स ज़रूर वेट करना, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए, कल इनका बर्थडे है तो आज मैं रात में, मतलब आज जब एडिटिंग कर रही हूँ, आज ट्यूसडे है तो आज रात में ही मैं सेलिब्रेट करूँगी। तो यहाँ पे स्पर्श हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज था ना कि मैं क्या लूँ, वो हेलीकॉप्टर ले रहा था, कभी बोलता है मुझे ऑटो चाहिए, कभी बोलता है ट्रेन चाहिए, तो इसके लिए ना हमें यहाँ पे पता है आपको 2 घंटे हमें इस शॉप पे लगे, उसका बस चॉइस देख रहे थे क्या चाहिए क्या चाहिए, एक उठा रहा था उसका मन दूसरे पे जा रहा था, दूसरा उठा रहा था उसका मन तीसरे पे जा रहा था, ऐसे हो रहा था। यहाँ पे काफ़ी देर हमें यहाँ पे लग गया, 2 घंटे कम से कम लग गए थे, और काफ़ी ज़्यादा मैं ना थक रही थी, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, मैं सोची कि यार एक शॉप पर इतनी ज़्यादा, उसके बाद मुझे भी ना स्लीपर लेना है तो वहाँ भी मैं शॉप पे जाऊँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑटो लिया, लेकिन ऑटो उसको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है ऑटो, लेकिन उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया नहीं एरोप्लेन इसके पास नहीं है, यहीं हम दिला देते हैं बाकी सारी चीज़ें, ट्रेन भी इसके पास है और ऑटो भी है, यही नहीं है, तो बस हमने सोचा कि चलो यहीं दिला देते, तो इसको चला के ये देख रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा खुश था लेके, लेकिन लाने के बाद बस कुछ टाइम का ये मतलब खुशी होती है, ये थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बस सारी खुशी उड़ जाएगी हवा में, ऐसा हो जाता है घर ले जाने के बाद, वो साइड में पड़ा रहते हैं इसके टॉयज़। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे शॉप पे, मुझे यहाँ पे अच्छे अच्छे शूज़ मुझे दिख रहे थे, लेकिन मेरे पास शूज़ ऑलरेडी है ना, तो मैं सोची यार क्या फिर फालतू का पैसा वेस्ट करना, तो मैं यहाँ पे जा रही थी, मुझे डेली यूज़ वाले ना स्लीपर लेने हैं, मतलब मैं जो डेली यूज़ में डालती हूँ तो वही मुझे रेगुलर के लिए लेने थे, तो यहाँ पे मैं देख रही थी तो काफ़ी अच्छा अच्छा लग रहा था यहाँ पे मुझे, और यहाँ से मैंने लास्ट टाइम भी यहीं से लिया था, जो मैं रेड कलर का एक स्लीपर डालती हूँ वो मैंने यहीं से लिया था, तो मुझे यहाँ पे उसमें का भी सेम था, पिंक था येलो था, लेकिन ये बोले कि तुम उसका यूज़ कर रही हो पहले से, तो फिर वो मैं ना 3 साल से यूज़ कर रही थी, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था, मैंने यहीं से लिया था, तो यहाँ पे मैं देख रही थी और मुझे ये पिंक वाला अच्छा लग रहा था, यहाँ पे नीचे भी आप देख रहे हैं सेम मैंने जो लिया है ना अभी डालती हूँ उसमें का सेम है, पिंक है एंड एक और कलर था, और यहाँ पे मैं चूज़ कर रही थी, यहाँ पे रेड और ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना यही मुझे पसंद आ रहा था, मुझे ठीक लग रहा था वो, तो ये बोले कि रेड ब्लैक वाला ही ले लो ज़्यादा ठीक है, और कलर भी ठीक लग रहा था, और 1-2-3 मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, देखिए आप लोगों को कौन सा स्लीपर पसंद आ रहा है, क्योंकि ऐसे ना चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है मुझे भी, जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना तो मैं काफ़ी टाइम मेरा बीत जाता है ऑनलाइन मतलब सामान देखते देखते तो ऐप्स पे, तो मैं यहाँ पे देख रही थी, आप लोग भी देख लो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे रेड वाला ही मैं चॉइस की, और यहाँ पे एक साइड में मुझे ये वाला सही लग रहा था, एक्चुअली क्या था ना मैं शादी के टाइम इसी में का सेम स्लीपर लेके आई थी ब्लू कलर में, थोड़ा सा डिफरेंट था तो वो ना बिल्कुल ख़राब हो गया, ये थोड़ा सा जैसे पानी पड़ता है ना तो वो फूल सा गया था, तभी से ना मेरे को शादी के टाइम का स्लीपर याद आ गई मुझे कि यार क्या उसका हाल हुआ था, तो इसी वजह से मैं उसको मना करती, वैसे ये सुंदर इनको लग रहा था, मैं बोली नहीं मैंने इनको बताया वो शादी वाली बात
कि शादी के टाइम का स्लीपर का बुरा हाल हो गया था, तो ये बोले कि ठीक है फिर छोड़ दो। तो फिर यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी स्लीपर, और बस यहाँ पे लेने के बाद फिर हम लोग जाएंगे घर पे, और घर जाने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया था। और यहाँ पे स्पर्श का भी देख रहे थे ये शूज़, और ये खुद के लिए भी शूज़ देखे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ना कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं चल रहा था, तो ये वाला था, ये वाला भी बोल रहे थे कि ये रेड ब्लैक में ये भी एक देख लो। तो वही सेम हाल था जो मेरे उस टाइम जो अभी दिखा रही थी, वही वाला हाल था। क्योंकि थोड़ा सा इसका ना जो होता है ना क्वालिटी, क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, दिखता भी सुंदर है, लेकिन वो पानी पड़ने के बाद फूल जाता है, ऐसा हो जाता है। तो चलिए फिर यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ, और मैं जा रही थी इसके बाद इनके बर्थडे के लिए शॉपिंग करने। यहाँ पे मैंने स्लीपर ले लिया है, उसके बाद मैं जाऊँगी दूसरी शॉप पे क्योंकि बर्थडे की तैयारी करनी है, मुझे बलून वगैरह लेने हैं। तो बस मैंने स्लीपर लिया, इन्होंने कुछ नहीं लिया अपने लिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।